वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं शगुफ्ता फ़हीम और आप देख रहे हैं फूडीज़ बाय शगुफ्ता। तो आज हम बनाने लगे हैं मिक्स दाल। तो उसके लिए हमने यहां पे ये सारी दालें ले ली हैं और इस तरह से यहां पे मैंने ये लिया है एक कुकर। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए चने की दाल है, ये 150 ग्राम है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के 2 से 3 पानी से धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और इसको देखिए हम इस तरह से कुकर में डाल देंगे सारी दाल को। फिर इसमें जाएगी ये मूंग की दाल है, ये 100 ग्राम है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के और वॉश कर लिया था 2 से 3 पानी से, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। ये है लाल मसूर की दाल, ये भी 100 ग्राम है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। सारी प्यालियाँ आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो। और ये है हमारे पास माश की दाल, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी प्यालियों को कर लेंगे अच्छी तरह से साफ। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 गिलास पानी है, ये 2.5 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स इस तरह से। और इसको कुकर को हम रख देंगे चूल्हे पे, बस 5 मिनट के लिए हम इन दालों को पकाएंगे। कुकर को हमने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा जला दिया है। 5 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ पकाएंगे। यहाँ पे हम इसका दाल का मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर हम उसमें ये देखिए ये एक दरमाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे प्याज हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। लहसुन अदरक को आप अच्छी तरह से भूना करें, कोई भी मसाला बनाए ना तो उसमें लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई किया करें, नहीं तो फिर उसमें ना लहसुन अदरक का कच्चापन रह जाता है। इसको पहले आप अच्छी तरह से फ्राई करना, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें ऐड करना। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये डाल देंगे। और ये 2 अदद हरी मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये भी इसमें डल जाएंगी। अब इस सबको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स इस तरह से। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून नमक है, ये इसमें चला जाएगा क्योंकि दाल में मैंने नमक नहीं डाला था। ये है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ये इसमें चला जाएगा। और ये है हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ये इसमें चला जाएगा। अब इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स इस तरह से। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, इनकी भुनाई करेंगे खूब अच्छी तरह से। हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें ये जो टमाटर है ना ये हमारे बिल्कुल नरम हो जाएं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखिए आप टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इसमें ये हमारी दही जो दाल थी जो हमने पकाई थी कुकर में वो सारी इसमें ऐड कर देंगे, चलाएंगे अच्छी तरह से, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये 1 टेबल स्पून है कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा। ठीक है, जब भी आप ना साबुत धनिया और ज़ीरे को कूटें तो उसको फ्राई ज़रूर करें, सबसे पहले उसको भूनें उसके बाद उसको कूटें, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त सी किसी भी सालन में किसी भी चीज़ में आप उसको डालेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है उसकी। ये देखिए दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त सी, ये देखें आप, ये देखिए। यहाँ पर बस हम इसको अब 2 मिनट तक और पकाएँगे। दाल को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखें इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इस टाइम पे आके हम इसमें ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं ये इसमें डाल देंगे। और ये है हरा धनिया जिसको मैंने धो के बारीक काट दिया था, ये भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
यहाँ पे दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसका यहाँ पे तड़का लगाएंगे, तो चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे एक डिश में। यहाँ पे हम इसका भगाड़ तैयार करेंगे तड़का। तो हम इस यहाँ ले एक पैन लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच घी का ले लिया है। इसको हम गरम होने देंगे। ये घी हमारा यहाँ पे गरम हो रहा है। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें ये ज़ीरा है, आधी टीस्पून ज़ीरा था, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये है गोल लाल मिर्चें, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको कलर आने देंगे। तो यहाँ पे ज़ीरे का कलर भी चेंज हो गया है और मिर्चों का कलर भी। तो बस यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम लगाएंगे तड़का। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपनी दाल में तड़का लगा देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी कलरफुल सी हमारी दाल बनके रेडी हुई है। दाल, मिक्स दाल हमारी बनके रेडी है। वीडियो अगर आज की पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।